हेलो दोस्तों, ये चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो भाई सऊदी में रहते हैं उनके अकाउंट में कितनी सिम है और कौन कौन सी सिम वो यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सा ऐसा होता है भूल जाते हैं उनके अकाउंट पे 4 सिम, 3 सिम इंटरनेट की है या मोबाइल की है, किस चीज़ की है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो जो है दोस्तों शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि ये सऊदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको ही पता है कि अगर जी आपने अकामा दिया तो आपका अकामे से कॉपी करके तो दूसरे सिम निकाल देते हैं और प्रॉब्लम होती है। फिर बाद में वो चेक करते हैं, फिर बंद करवाने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, फिर दूसरे ऑफिस चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको पता ही है यार। और जिसका अकामा होता है उसे प्रॉब्लम पड़ती है बाद में एयरपोर्ट पे, आपको सबको पता है कि एयरपोर्ट पे पे देना पड़ता है। और किसी ने अगर जी आपके सिम पोस्टपेड निकाल लिया और इंटरनेट का अनलिमिटेड निकाल लिया तो वो सालों साल तो तुम्हें पता ही है, फिर तो एयरपोर्ट पे पैसे दे के जाएगा, क्योंकि उसे क्या पता है उसके अकाउंट में कितना बैलेंस चल रहा है पोस्टपेड में। प्रीपेड तो चलो फिर भी ऐसा है कि रिचार्ज करेंगे तो तभी काम करेगा, पोस्टपेड तो बिना रिचार्ज के काम करता है, आपको पता है मंथली होता है उसका। तो दोस्तों, काफ़ी भाई के कमेंट भी थे और ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट पे भी है कि भाई, कई भाई ने कमेंट किए थे कि भाई हम जो है कैस किस तरीके से अपने अकाउंट पे सीमें देखनी है, तो दोस्तों वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो है जितने भी भाई सऊदी में हैं तो प्लीज़ यार ये शेयर कर देना। ये मैं ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं फ्री कॉल से या वैसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने सऊदी वालों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सऊदी में ही अकामे से चेक किया जाता है कि कैसे सिम, कितनी सिम और कौन कौन सी सिमें हमारे अकामे पे है, सिर्फ अकामे के नंबर से। तो ये अपने यार दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। तो इसका लिंक मैं जो है जो भी बात बताऊंगा ध्यान से सुनना कैसे कैसे करना है आपको आपको तो मैं ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आप इसे ओपन करना, क्योंकि अरबी में है ये वेबसाइट। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं दोबारा से भी इस पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और आप देख लेना यहाँ पे मैं पेस्ट करके, और ये वाला जो है आएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस तरीके का आएगा तो आप यहाँ पे अरबी और इंग्लिश आएगा, क्रोम ब्राउज़र में आप खोलोगे तो आपको ऑप्शन दोनों आएंगे इंग्लिश के और अरबी के, पर अगर जी आपने किसी और ब्राउज़र में खोला तो आपको सिर्फ अरबी में ही आएगा। पर फिर कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे जो है क्वारी डेटा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आईडी नंबर और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो नहीं चलेगा पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे। जैसे कि मैं अभी अपना अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे जो है आपको आई डोंट हैव मोबाइल फोन नंबर, इस पे आपको कर देना मोबाइल नंबर है तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको ये कैप्चा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एच है, तो H4M और जी यहाँ पे एफ आ गया, तो ये M जो होगा मेरे ख्याल से बड़ी स्पेलिंग में है, तो देखता हूँ ट्राई करके फिर भी क्या बताता है। हाँ, बड़ी में है ये, मैं दोबारा से करता हूँ H4M F। अब हम यहाँ पे गो पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम बताएगा ये, वेट करना पड़ेगा। हाँ, देख सकते हो दोस्तों मेरे जो अकाउंट पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे STC और मोबाइल ही, और हकीकत में ही मैं दो सिम चला रहा हूँ जो कि मोबाइल ही और STC है, दोनों ही सिम यहाँ पे शो कर दिए। यानी कि अगर जी मैं लिब्रा नहीं, मैं ही नहीं, सऊदी के अंदर कोई भी आपके अकाउंट पे जो भी यूज कर रहा होगा लिब्रा हो कुछ या दो सिम हो तीन सिम हो, वो यहाँ पे शो कर देगा कि आपकी कितनी सिमें हैं, कौन कौन सी कंपनी की सिम है आपके अकाउंट पे। आप ये मत सोचना कि तुमने एक अकाउंट पे एक ही सिम ले रखी है, पर ऐसा होता है ना जब आप फोटो स्टेट देते हो अपने अकाउंट की, तो जो होते हैं ना फ्रॉड, आपको मालूम है यार सऊदी के अंदर फ्रॉड कितने हैं, खाली पीली तो तुम्हें पता ही है किस कदर चल रहा है, आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं और आपके ATM कार्ड का बहुत फ्रॉड करती है सऊदी के अंदर, तो ये जानते ही हो आप। तो इस तरीके से आपकी ID वाईडी सारी हैक हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाती है। चलो, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप वहीं पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लिंक जो है ये सेव करके रख लेना, आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। तो आप पता कर सकते हो कि किस तरीके से आपकी सिमें चल रही है, कौन कौन चला रहा है, और अगर जी आपको लगा कि ये सिम तो मैंने ली नहीं है या मेरे पास इतनी बड़ी सिम है, तो आप जाके ऑफिस में अपना अकाउंट ले जाने के बाद ऑफिस में जाके हैंड टू हैंड बंद करा देना। बस यही थी दोस्तों इस वीडियो में,
और वीडियो जो है ये शेयर जरूर कर देना अपने भाइयों को जो भी सऊदी में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।